हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुकी है, क्योंकि टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हमें पूछ रहे थे कि सर हमारा टाइम टेबल कब आएगा। तो दोस्तों, टाइम टेबल आ चुका है, 3 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम है। टाइम टेबल आपके सामने स्क्रीन पे आपको दोस्तों दिख रहा है। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो टाइम टेबल है दोस्तों, ये ईयरली पैटर्न के जो स्टूडेंट है आईडीएल के, ये उनका है, ना ही कोई कॉलेज स्टूडेंट का टाइम टेबल है और ना ही सीबीएसई पैटर्न जो सेमेस्टर पैटर्न एग्जाम चल रहा है उनका ये टाइम टेबल नहीं है। इधर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ये ईयरली पैटर्न ओनली फॉर आईडीएल स्टूडेंट के बच्चों का टाइम टेबल है। अच्छा दोस्तों, टाइमिंग जो आपका एग्जाम का है मॉर्निंग 11 o'clock से लेके 2 बजे तक का है। बात आएगा सर एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तो दोस्तों ये एग्जाम जो है ऑफलाइन एग्जाम है। सर कोरोना आ रहा है, कोरोना के वजह से ये एग्जाम फिर से मतलब ऑनलाइन हो जाएगा क्या? तो दोस्तों अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है और आपका एग्जाम 3 जनवरी से, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। 3 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है। टाइम टेबल पे अगर दोस्तों नजर डाले, मैंने इसलिए ये पॉइंट क्लियर किया क्योंकि बच्चे ये चीज पूछ रहे हैं और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बनाने वाला हूं इस वीडियो के बाद, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों 3 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम है। पहला पेपर जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है। फिर 3 जनवरी को आपका एग्जाम जो है बिजनेस मैनेजमेंट, जिन्होंने अकाउंटिंग लिया रहेगा उनका अकाउंटिंग टॉपिक से रहेगा, जिनका बिजनेस मैनेजमेंट से रहेगा वो बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा, तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। फिर दोस्तों 4 तारीख वेडनेसडे पड़ रहा है, टाइमिंग तो सबका सेम है, आपका सब्जेक्ट कोड देख लेना मतलब पेपर कोड देख लेना। साथ में 4 तारीख को आप अगर आपका पेपर रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कोर्स अकाउंटिंग का, और या तो बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहने वाला है अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो। 5 तारीख को आप फिर से देख लीजिए, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो या बिजनेस मैनेजमेंट के हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रहेगा पेपर, और अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के हो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर रहेगा। दोस्तों 6 तारीख को आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा। 9 तारीख को आपका दोस्तों मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर रहेगा। 10 तारीख को दोस्तों आप लोगों का पेपर टैक्स का रहने वाला है। 11 तारीख को दोस्तों आप लोगों का एक्सपोर्ट मार्केटिंग रहेगा। 13 तारीख को आपका जो पेपर रहने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आप लोगों का मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। देन उसके बाद 16 तारीख को आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। देन 17 तारीख को आपका ये इंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, मतलब आप लोगों का पेपर 3 जनवरी से चालू होते हुए 17 जनवरी तक का होने वाला है। तो दोस्तों यह हाल ही का नोटिस है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों को अगर ये टाइम टेबल नहीं पता है तो मैंने वीडियो के द्वारा बता दिया है। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये प्रॉब्लम है कि सर इस बार का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा एग्जाम चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो और भी बना के आपको देने वाला हूँ कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया है, लेकिन मैं उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि आपके अभी के एग्जाम क्या होने वाले और आने वाले एग्जाम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।